हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास टेंथ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 6A और ये हमारा होगा आर एस और का सॉल्यूशन। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 19 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर जो उसका वीडियो है हमारे प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 6A में जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें बोला जा रहा है सो डैट द पॉइंट ए 7, 10, बी 2, 5 एंड सी 3, -4 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमें जो पॉइंट है ए बी सी ये गिवेन है, और बोला जा रहा है कि इसका जो वर्टेक्स है वो आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल है, यानी आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पे यदि हम ट्रायंगल ड्रॉ करें तो ये आइसोस्केलस, यानी इसका दो जो साइड है ये और ये साइड इक्वल होगा, और राइट है यानी ये 90 डिग्री पर होगा। ये नाम ले लेते हैं ए बी सी। ए जो है वो हमें गिवेन है 7, 10, बी जो है ये है हमारे पास -2, 5 और सी जो है ये हमारे पास 3, 4 ये गिवेन है। अब इसमें यदि हम देखें तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, चूंकि ये राइट ट्रायंगल है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हम बोल सकते हैं। यहाँ पे ए बी स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस इक्वल टू हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर या इक्वल टू ए सी स्क्वायर हम इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये होता है। और यहाँ पे चूंकि स्क्वायर में गिवन है, डिस्टेंस जो है हमारे पास डी स्क्वायर में नहीं है, तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए जो रूट है, इस रूट को जब इस तरफ भेजेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यानी इस डिस्टेंस के जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी ए सी के जगह भी सेम फार्मूला, प्लस पहले बी सी लिख लेते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी के जगह भी सेम एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये हम लिख लिए। ए बी के जगह पे डिस्टेंस फार्मूला, फिर बी सी के जगह पे डिस्टेंस फार्मूला और ए सी के जगह पे डिस्टेंस फार्मूला। अब एक्स वन वाई वन हम फाइंड कर लेते हैं, यानी पहले ए बी है तो ए बी के लिए एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, यानी एक्स वन इक्वल टू हो जाएगा 7, वाई वन इक्वल टू 10, एक्स टू इक्वल टू हो जाएगा -2, वाई टू इक्वल टू 5। अब बी सी के लिए एक्स वन जो है, बी सी के लिए एक्स वन -2, वाई वन इक्वल टू 5 और एक्स टू इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 और वाई टू इक्वल टू -4। ए सी के लिए हमारे पास हो जाएगा एक्स वन इक्वल टू 7, वाई वन इक्वल टू 10, एक्स टू इक्वल टू 3 और वाई टू इक्वल टू -4। ये हम वैल्यू को लिख लिए। अब इस वैल्यू को जब पुट करेंगे तो जब ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे जब ये इक्वल हो जाएगा, यानी ये हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये का आइसोस्केलस राइट एंगल है। अब वैल्यू को पुट करते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन यानी -2, -7 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन यानी 5, -10 का होल स्क्वायर प्लस फिर एक्स टू माइनस एक्स वन बी सी के लिए यानी 3, -2 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन यानी -4, -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर भी एक्स टू माइनस एक्स वन यानी 3, -7 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन यानी -4, -10 का होल स्क्वायर। वैल्यू को रख दिए, अब इसे हमें सॉल्व करना होगा, यानी -2 और -7, -9 का होल स्क्वायर प्लस 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -5, -9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 में से 7 माइनस करें तो -4 का होल स्क्वायर
प्लस माइनस फोर और माइनस टेन माइनस फोर्टीन का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 3 और 2 ये हमारा हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और यहाँ पे 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 ये हो गया। तो यहाँ से फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर आ रहा है सो डैट द पॉइंट ए बी सी जो है आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल। तो इसका जो वर्टेक्स है ये आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल है, यानी आइसोस्केलस पहले तो गिवन है तो दो साइड जो है ए बी और ए सी ये इक्वल होगा और राइट ट्रायंगल है यानी ये जो है पाइथागोरस थ्योरम पे अप्लाई होगा ए बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा जो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये हो गया। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर में है और डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, जब इस रूट को इस तरफ भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा यानी एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे पुट किए ए बी के जगह पे, फिर बी सी के जगह पे सेम फार्मूला, ए सी के जगह पे भी सेम फार्मूला। अब ए बी के लिए हम एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, बी सी के लिए भी एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और ए सी के लिए एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू इसको फाइंड किए। इस वैल्यू को हम इसमें जब पुट किए तो हमारे पास रिजल्ट इतना आया। तो आप इसको एक बार पहले नोट डाउन कर ले उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ के बाद इन दोनों ये जो 81 25 25 81 है इसको पहले ऐड कर लेते हैं, यानी 25 और 25 ये हमारा हो जाएगा 50 प्लस 81 और 81 हमारा हो जाएगा 162 इक्वल टू, जब इसको ऐड करेंगे तो 6 6 12 10 1 11 112 हो जाएगा और इन दोनों जब हम ऐड करेंगे तो ये भी हमारा जाएगा 112 इक्वल टू 112। यानी यहाँ पे हम ये दिखा दिए कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो गया, यानी ये एक राइट ट्रायंगल है जो कि पाइथागोरस था हमारा, ये प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे यदि हम चाहें तो आइसोस्केलस ट्रायंगल बोल रहा है तो आइसोस्केलस में इसको प्रूफ कर सकते हैं, यानी ए बी इक्वल टू बी सी भी दिखा सकते हैं। तो उसको भी हम दिखा देते हैं, ए बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो ए बी के लिए एक्स वन जो है वो है 7, एक्स टू इक्वल टू है 10, वाई वन इक्वल टू माइनस टू और वाई टू इक्वल टू 5, ये है। इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन यानी माइनस टू माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन यानी 5 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट माइनस टू और माइनस 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 10 घटाएंगे तो माइनस 5 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 81 प्लस 25 और जब इसको ऐड करेंगे तो 51 ये हो जाएगा हमारा 6 और 8 टू 10 यानी 110। ए बी हो गया 106। अब ए बी हो गया, बी सी को भी निकाल लेते हैं। बी सी इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, यानी एक्स वन इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू, वाई वन इक्वल टू हो जाएगा 5, एक्स टू इक्वल टू हो जाएगा 3, वाई टू इक्वल टू माइनस 4। वैल्यू को पुट कर लेते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन यानी 3 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन यानी माइनस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 और 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 3 और 2 5 यानी 5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा और 9 का होल स्क्वायर 81 और जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 106। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी का जो वैल्यू है वो भी अंडर रूट 106 था और बी सी का भी वैल्यू जो है 106 ही है, यानी यहाँ पे हमारे पास हो गया ए बी इक्वल टू ए सी। तो हम दोनों काम कर चुके हैं, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। यहाँ पे 50 और 162 था, यदि इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 6 5 11 और 1 1 2 212 हो जाएगा और यहाँ पे 196 था तो 196 जो है हमारा ये हमारा हो जाएगा 212, यानी यहाँ पे 212 होगा। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।